नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक वो सही सलामत पहुँच जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्तों जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या फिर मिस्टीरियस फैक्ट्स है हम वर्ल्ड कप के बारे में सब हम कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्द से जल्द चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने क्रिकेट लवर लोगों से। वर्ल्ड कप में न्यूट्रल अंपायर 1987 में पहली बार खड़ा हुआ था, यानी कि साले तुम लोग पहले बिना अंपायर के खेलते थे। 1987 में ओवर की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी। इस वर्ल्ड कप की भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी की गई थी और दोनों ही देशों में दिन में होने वाली रोशनी के कम समय के चलते यह निर्णय लिया गया था। तीसरे अंपायर द्वारा निर्णय लेने की शुरुआत 1992 में दक्षिण अफ्रीका के बर्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई। इसका मतलब दोस्तों 1992 से पहले थर्ड अंपायर नहीं हुआ करता था। खिलाड़ी के कपड़े को उनके नाम सहित रंगीन 1992 में किया गया था, यानी कि दोस्तों उससे पहले सभी विपक्षी टीम भी व्हाइट कपड़ा ही पहनते थे। वर्ल्ड कप में किसी मैच के अधूरे छूटने की शुरुआत 1996 में भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में हुई मैच के साथ हुई, जिसमें दर्शकों के एक समूह ने भारत को हारते हुए देखकर मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दिया था। सन 2003 में हुए वर्ल्ड कप में 14 टीमों ने आपस में 43 डेज के दौरान 54 मैचेस खेले। सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें तीसरे अंपायर ने निर्णय लेके रन आउट किया था। 2003 में शोएब अख्तर ने पहली बार क्रिकेट इतिहास की सर्वाधिक गति जो कि 100 मीटर पर आवर थी। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में 8 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीत चुके हैं। रिकी पोंटिंग ने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 46 मैच खेले हैं। 1975 में खेले गए वर्ल्ड कप में पूर्व अफ्रीका टीम भी शामिल थी। यहाँ दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीका। 1979 के वर्ल्ड कप में पूर्व अफ्रीका के स्थान पर कनाडा की टीम ने हिस्सा लिया। 1987 का वर्ल्ड कप के साथ ही वर्ल्ड कप का स्थान इंग्लैंड से बदला। 1987 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, यानी कि दोस्तों इससे पहले जितने भी मैचेस हुए सब इंग्लैंड में ही हुए थे। भारत ने 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में जीत दर्ज कर वेस्टइंडीज को लगातार वर्ल्ड कप जीतने के सिलसिले को खत्म कर दिया था। 1992 के वर्ल्ड कप के फील्डिंग के नियमों में बदलाव किए गए। इसमें पहले 15 ओवर तक केवल 2 खिलाड़ियों को रिंग के बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। पहले कम से कम 4 खिलाड़ियों को रिंग में रहने का नियम था। 1996 में श्रीलंका ने क्रिकेट में पहले 15 ओवर में रनों की गति बढ़ाने की शुरुआत की, जिसका क्रिकेट के 2020 पैटर्न में अनुसंगरण किया गया। 2007 का वर्ल्ड कप जबकि संयोग से भरा हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे। पाकिस्तान कोच बॉब मुलवर की रहस्यमय मौत को पाकिस्तान की आयरलैंड के हाथों अचंभित कर देने वाली हार से जोड़ा गया था। 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एडम गिलक्रिस्ट के धुआंधार 149 रनों की पारी की मदद से जीता था। 1992 के वर्ल्ड कप में बाल का रंग लाल से बदलकर सफ़ेद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारा। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल बारिश के कारण 50 ओवर से घटाकर 38 ओवर का कर दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया है, मुझे पता है आपको पसंद आया, मगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को बेल को दबाना एकदम मत भूलो, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएगी तुम्हें और तुम मेरे वीडियोज़ को देख पाओगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो, प्लीज़ 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 कर लो। और यार इस वीडियो को जितना ही फैला सको उतना फैलाओ और मैं जल्दी नए एक वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद जय भारत।